और सिरोही के माउंट आबू से खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में राष्ट्रपति ने सुबह योग मेडिटेशन किया है। पांडव भवन में जहां ब्रह्मा बाबा की समाधि पर करेंगी श्रद्धांजलि अर्पित, और साथ ही साथ पांडव भवन में बाबा रूम में वो मेडिटेशन और ध्यान योग करेंगी। पांडव भवन में चार धाम की यात्रा का अवलोकन भी करेंगी और इसके बाद ज्ञान सरोवर में दोपहर के भोजन के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति का आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पर जाने का भी कार्यक्रम है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर हैं। कल वो जयपुर पहुंची थी और जयपुर में कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुई थी। अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। राजभवन वो पहुंची थी, उसके बाद संविधान पार्क का उद्घाटन उन्होंने किया था, संविधान पार्क का अवलोकन भी किया था और आज माउंट आबू में वो मौजूद हैं और आज भी कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाली हैं। राष्ट्रपति ने सुबह योग मेडिटेशन किया है जो कि एक तरीके से उनके रूटीन में शामिल भी रहता है। अशोक मेरे सहयोगी सिरोही से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अशोक, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर अपडेट बताइएगा। जी, मैं दीपिका बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में हैं, जहां पर उन्होंने तय समय अनुसार सुबह योग मेडिटेशन किया। साथ ही जो यहां की जो नियमित मुरली है, उन मुरली के तहत इन्होंने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा बाबा है वो मुझे यहाँ पर लेके आए थे और जिस प्रकार से वो यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे हिंदी नहीं आती है, उसके बावजूद भी मैं हिंदी मुझे सिखाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से राष्ट्रपति का अच्छा लगाव है। साथ ही इसके बाद यहाँ से जो राष्ट्रपति का जो काफिला है, 10 बजे ज्ञान सरोवर से पांडव भवन जाएगा, जहाँ पर ये ब्रह्मा जो बाबा हैं उनकी समाधि स्थल पर जाएंगे, जहाँ पर वे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जो ध्यान योग और मेडिटेशन का भी यहाँ कार्यक्रम है, उसके बाद उनका काफिला पुनः ज्ञान सरोवर जाएगा और ज्ञान सरोवर में भोजन के बाद करीब 1 बजे के आसपास वे पुनः आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी पहुंचेंगे, जहां से वे पाली के लिए रवाना होंगे। जिसको लेकर सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर भी जिस प्रकार से पुलिस जो कर्मी हैं काफी यहां पर लगाए गए हैं। पांडव भवन से ज्ञान सरोवर का जो रूट है, उस रूट पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस के कर्मचारी लगे हुए हैं। जिस प्रकार से जो पांडव भवन है, पांडव भवन को भी सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। यातायात व्यवस्था है, उसको भी किया गया है। जी अशोक, इसके अलावा क्योंकि आप बता रहे हैं कि कई कार्यक्रम है, आपसे पांडव भवन में वो ब्रह्मा बाबा की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगी, कौन कौन इस दौरान उनके साथ मौजूद रह सकता है और साथ ही साथ माउंट आबू में कितने बजे तक, कितने समय तक वो रह सकती हैं? जी, मैं दीपिका बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जो पदाधिकारी हैं वो उनके साथ है। सुबह जिस प्रकार से वो यहाँ मुरली के कार्यक्रम में पहुंची थी, उसमें मुरली के कार्यक्रम में भी ब्रह्मा कुमारी के संस्थान के जो लोग हैं वो मौजूद थे। वहां से जो पांडव भवन जाएगी, यहाँ पर भी संस्थान के पदाधिकारी साथ साथ इनके चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है उनका संस्थान से पुराना उनका लगाव रहा है और जो करीब 1:30-1 बजे के आसपास यहां से माउंट आबू से ये आबू रोड के मानपुर हवाई पट्टी के लिए रवाना होगी। जी अशोक, एक बात और, क्योंकि पांडव भवन में चारधाम की यात्रा का अवलोकन भी राष्ट्रपति को करना है, तो अवलोकन कितने बजे करीब किया जाएगा? ये तकरीबन 10 बजे इनका काफिला जो ज्ञान सरोवर है, ज्ञान सरोवर से पांडव भवन के लिए रवाना होगा। उसकी जो दूरी है वो दूरी करीब 5 से 7-10 मिनट की आसपास की जो दूरी है उसके वहां पहुंचेगी, पांडव भवन पहुंचेगी, जहां पर ये चार धाम की यात्रा का अवलोकन करेंगे। और पांडव भवन जिस प्रकार से यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सजाया गया, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान है उसमें भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल अशोक, अगर कुमारिस की बात की जाए, अगर मेडिटेशन की बात की जाए, तो राष्ट्रपति के एक तरीके से रूटीन में मेडिटेशन शामिल रहता है और उसकी उपयोगिता और उसके महत्व को राष्ट्रपति समय समय पर हमने सुना है, वो बताते भी हैं। और आज आप बता रहे हैं कि ये कार्यक्रम उनका रहने वाला है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।